हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल व्लॉग क्यूट पेट्स। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आपको भगवान के जल्द ही साक्षात दर्शन होने वाले हैं, तो ये रहा हमारा मंदिर और आप भगवान के दर्शन करिए। हमारे अमरूद के पेड़ में कुछ ऐसा फल निकला है जिसे देख के आप भी शायद त्रिदेव को देख लेंगे, तो आइए देखते हैं वो फल। तो ये वो फल है जो कि हमारे अमरूद के पेड़ से निकला है। और हाँ, ये पूजा का आशीर्वाद है जो कि टफी को मिल रहा है। पिछले हफ्ते हमारे घर में रुद्राभिषेक हुआ था, तो उसी का ये वीडियो है। और ये हर साल हमारे घर में होता है जब हमारे घर में मंदिर की स्थापना हुई थी उस दिन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो बुढ़ी आंटी हैं, इनके बारे में, कि ये हमारे मंदिर में रोज़ सुबह ठीक 4:30 बजे सबसे पहले आके भगवान के हाथ जोड़ के उनके दर्शन करके जाती हैं। इनकी उम्र काफ़ी है, कम से कम 80 साल की ये हैं। उसके बाद भी भगवान की तरफ इनकी श्रद्धा देख के मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। मैं रोज़ सुबह अपने घर के बाहर देखती हूँ इनको, तो इतना अच्छा लगता है कि हाँ, भगवान तो कोई, और इनका घर भी बहुत दूर है, लेकिन वो उतने दूर से रोज़ सुबह आती हैं, सिर्फ भगवान के हाथ जोड़ के रोज़ जाती हैं। और आज भी सबसे पहले हमारे घर में पूजा के समय इन्होंने यही आई थी, और 2 बजे तक बिना कुछ खाए पिए, इनका भी व्रत था जैसे कि मेरा भी आज था, तो ये पूरा बैठी रही। तो बस यही श्रद्धा है भगवान के लिए लोगों की, तो बस यही सब देख के बहुत अच्छा लगता है। और सबसे मज़ेदार कुछ बातें पंडित जी की जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ, कि पूजा के दौरान मेरा भी फास्ट था और मैंने सुबह से बहुत सारे काम वाम हो ही जाते हैं, तो उस दौरान मुझे बहुत प्यास लग गई। तो लेकिन पूजा में बैठते हैं तो शायद पानी नहीं पीते हैं, तो मैं भी पानी नहीं पी थी, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर सा आ रहा था। तो फिर पंडित जी कहे कि सबसे पहले पेट पूजा, बाकी काम दूजा। और मुझे इतनी हंसी आई, पंडित जी, वो पंडित जी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि भगवान ये नहीं कहते कि आप अपने पेट को कष्ट दो और पानी मत पियो और बैठो। तो ये बात मुझे उनकी लेकिन अच्छी लगी कि भगवान कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे को तकलीफ़ हो। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लिया था। और अंत में जब सारी पूजा हो गई, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ऐसा करो, हमारी दक्षिणा बटोर लो। जब मैंने उनकी दक्षिणा बटोरी तो अच्छी खासी कमाई हो गई थी। तो पंडित जी कहने लगे आज मन प्रसन्न हुआ कमाई देख के। और और हाँ, एक बात मैं आप लोग को ये बताना चाहती हूँ कि आप लोग पंडितों की कमाई को कम मत आकीगा। मैं भी सोचती थी कि पंडित लोग बेचारे क्या ही कमा पाते होंगे, बहुत गरीब होते, बट मैं सच में कह रही हूँ, बिलीव गाइस, कि उन्होंने हमारी पूजा में लगभग उन्होंने 3,000 तक कमाई उनकी हो गई थी, और सिर्फ 2 घंटे के लिए। तो पंडित लोग भी अच्छा खासा कमाते हैं। वो खुद ही बता रहे थे कि जो रामायण वामायण कुछ बड़ी बड़ी जो होती है उसमें वो कम से कम 50,000 तक, एक दिन का 50,000 तक लेते हैं। तो पंडितों की भी अच्छी इनकम है। हाँ दोस्तों, मुझे आपको एक बात और भी बतानी थी कि हमारे पड़ोस में ही एक दीदी रहती है जो फिलहाल प्रेग्नेंट है, तो उनके पेट पे बहुत ही ज़्यादा दर्द उठ गया था। तो मम्मी दौड़ के गई और भगवान का जो रुद्राभिषेक का जो प्रसाद था वो जैसे ही उनको खिलाई, आप लोग पता नहीं बिलीव करेंगे कि नहीं मैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रसाद खाया उनका पेट का दर्द एकदम ही गायब हो गया। तो भगवान में बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। वो खुद वो दीदी मम्मी से कही कि अगर आप मुझे प्रसाद नहीं देती तो लगता है मैं बचती ही नहीं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और उनके घर में कोई था भी नहीं, और जैसे ही उन्होंने प्रसाद खाया उनका पेन पूरा सही हो गया। और वो मम्मी को आके ये बात बताई, तो मुझे तो गर्व है कि मैं हिंदू धर्म में हिंदू धर्म में पैदा हुई हूँ और मैं सनातन धर्म की हूँ। और हाँ दोस्तों, मुझे एक बात और भी बतानी थी कि मैं वैसे तो मैं बहुत हंसती हूँ, हंसने का मतलब है कि मेरे मुँह में हमेशा बड़ी सी स्माइल रहती है, लेकिन इस समय मैं एकदम शांत करके बैठी हूँ, जो मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था। और हाँ, ये जो भगवान के ऊपर जो जल में डाल रही हूँ, एक पोज में बैठे बैठे लिटरली मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था कि मैं सह नहीं पा रही थी। मैं तो एक जगह पे बैठ नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी भगवान की भगवान में तो बहुत ही शक्ति होती है, उनका नाम लेके मैं पूरी टिकी रही। और ये औरतें आंटियाँ बात करने में लगी हुई थी, और पंडित जी कह रहे थे औरतें शांत रहे, और उस समय मुझे इतनी हंसी आई थी, बट पंडित जी के सामने मैं हंस नहीं सकती ना, पूजा पाठ हो रहा है। तो ये बात तो मैं मानूंगी कि जब किसी के घर में पूजा होती है तो उसके बाद घर में एक अलग ही शुद्ध वातावरण हो जाता है। आप लोग ने भी ऐसा ज़रूर फील किया होगा।
अब आरती शुरू होने वाली है और आप लोग सब आरती का आनंद लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव।